नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर पिज़्ज़ा की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही टेस्टी। और इसमें मैं अगेन यूज़ कर रही हूँ वही वाली डिप जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ 2 दिन पहले शेयर करी थी। कल मैंने उसी रेसिपी के साथ आपको मैक्रोनी और पास्ता बनाना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, वो वीडियो कल आई थी। और आज मैं आपको उसी डिप के साथ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी या सैंडविच बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पनीर के क्यूब्स, और के अंदर ऐड करी है मैंने डिप। और इस डिप की कंप्लीट रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर 2 दिन पहले है, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा। ये डिप बहुत बहुत अमेजिंग है, और बहुत ही ज़्यादा वेराइटी में आप इससे चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉर्न्स डाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना टमाटो केचप ना कुछ, सिर्फ आप डिप डालिए और आपकी बहुत ही अच्छी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे स्टफिंग से यहाँ पे सैंडविच भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन ब्रेड की स्लाइसिस ली हैं, और उनको मैंने एक कटोरी से गोल कट में कर लिया है। तो हमारे पास है यहाँ पे ब्रेड के 2 स्लाइसिस। आपको जितने बनाने हैं आप यहाँ पे उतनी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, और उतने ही आप यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ब्रेड स्लाइस पे मैंने लगाया है थोड़ा सा केचप, बहुत ज़्यादा केचप नहीं लगाना है, क्योंकि जो हमारी ये डिप है ये ऑलरेडी बहुत फ्लेवरफुल है, और इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी ऐड हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नीड नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ लगाएं। बस मैंने एक लेयरिंग देने के लिए थोड़ी थोड़ी सी केचप लगा दी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग तैयार करी थी या फिर टॉपिंग तैयार करी थी पनीर की, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों ब्रेड स्लाइसिस पे पनीर की टॉपिंग ऐड कर दी है। साथ में मैंने यहाँ पे रखे हैं बिल्कुल छोटा छोटा कट करके अनियन। आप यहाँ पे ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। मैंने यहाँ पे सिर्फ पनीर यूज़ किया है, और साथ में मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अनियन यूज़ किया है। और इसके बाद मैं के ऊपर डाल दूंगी यहाँ पे चीज़। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो यहाँ पे यूज़ कर लें, मोज़रेला कर लें या फिर क्यूब कर लें। मैंने इसे चीज़ से अच्छे से कवर कर दिया है, और अब मैं इसे चीज़ मेल्ट होने तक थोड़ा सा बेक कर लूँगी, ताकि जो नीचे की हमारी लेयर है ब्रेड की वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, और जो ऊपर की चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा गार्निशिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे चिली पाउडर डाल दिया है, ये चिली फ्लेक्स हैं, मैंने ये डाल दिया है। दिखने में भी सुंदर लगते हैं, और ऑब्वियसली फ्लेवरफुल तो होते ही हैं। तो बस हमारे यम्मी से ब्रेड पिज़्ज़ा हो गए हैं बनकर तैयार। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक डिप बनाइए, ये मल्टीपर्पज़ डिप है, या आप रोल्स भी बना सकते हैं ऐसे, और बहुत ही अमेजिंग काम करती है। तो बनाकर ज़रूर रखिएगा अपने फ्रिज में, और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है, और जो आप हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू।